आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ये सेब जो है वो छोटे बच्चों को किस तरह से दे सकते हैं उसकी रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जी आप लोगों ने एक सेब ले लेना है और इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। अब ये देखें जी, ये सेब को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप इसको मैं इसके पीसेस काट लूँगी, इसका जो छिलका है वो आप लोगों ने उतार लेना है। उसके बाद ये देखें जी, ये सेब जो है इनको अच्छा जी, ये सेब जो है ये मैंने इस तरह से काट ली है बिल्कुल बारीक। और आपने कोई भी स्टील का जो है वो छोटा सा बाउल ले लेना है और इन जो सेब के कटे हुए पीस हैं इसको उसके अंदर जो है वो आपने डाल लेना है। उसके बाद आपने ये भरा बाउल लेना है, इसमें आप लोगों ने डाल लेना है पानी और इसको रख देना है चूल्हे पे। हल्की आंच करके इसको चूल्हे पे रख दिया है। उसके बाद जो मैंने ये सेब जो है ये बाउल में डाले थे इसको मैं इसके अंदर रख दूँगी ये इस तरह से, और उसके बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए जी, इस तरह से रखें। उसके बाद आप लोगों ने किसी भी प्लेट के साथ जो है इसको कवर कर देना है और चूल्हे की आँच जो है वो हल्की रखनी है। और उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं इसको, इसकी भाप जो है वो भाप की मदद से ये जो सेब है ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये देखें जी, 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा चेक करवाऊँगी। अब तकरीबन जो 8 मिनट हुए हैं अभी, तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं कि ये नरम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये देखिए जी, मैंने उठाया है, इसका ढक्कन उठा के देख लें, पानी तो पक रहा है लेकिन अभी जो सेब हैं वो थोड़े से हार्ड लग रहे हैं। तो मैंने इसको छुरी से और चम्मच से आप चेक करके देख सकते हैं, अगर ये हार्ड हो तो आप इसको मज़ीद जो है वो ढाँप के रख दें। जब ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए उसके बाद आप लोगों ने इसको करना है ग्राइंड। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक किया है तो ये मुझे लग रहे हैं अभी थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, तो मैंने इसको मज़ीद ढाँप के रख दिया है। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाया था क्योंकि अभी बिल्कुल ये नरम नहीं हुए थे, तो मैंने चेक किया था लेकिन थोड़े से हार्ड थे तो मैंने इसको मज़ीद जो है वो ढाँक के रख दिया था। अब ये बिल्कुल ही, ये देखें ज़रा भाप जो है इसके अंदर पानी भी आ चुका है। आपने इसी तरह से देखें कितने नरम सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल एप्पल जो है। तो अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। अब ये देखें जी, अच्छा इसको आप लोगों ने कर लेना है, ये अभी ना बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको कुछ टाइम के लिए आपने ठंडा होने रख देना है। जब ये ठंडे हो जाएँ तो उसके बाद इसको करेंगे ग्राइंड। अब जी ये थोड़े से ठंडे हो चुके हैं और इसको मैं डालूँगी ग्राइंडर में और इसको आपने इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ, अगर तो जैसे मैंने अभी ग्राइंडर में डाले थे तो आप ग्राइंडर की मदद से भी कर सकते हैं इसको ग्राइंड कर लें। और या तो फिर ये देखें ज़रा ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, आप इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं तो आप इसको चम्मच से अच्छी तरह से इस तरह से मैश करते रहें। तो ये देखें जी, ये एप्पल रेडी है बच्चों को खिलाने के लिए। अगर आप पहली दफ़ा दे रहे हैं तो इसमें से जस्ट आपने थोड़ा सा खिलाना है इनको, जितना बच्चा हज़म कर सके। अगर आपको आप देखें कि बच्चे ने हज़म कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा ज़्यादा खिला सकते हैं। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी एप्पल प्यूरी रेडी है और ये बच्चे को खिला सकते हैं या आप 4 मंथ बेबी को भी दे सकते हैं। 4 मंथ बेबी को आप लोग जस्ट 2 चम्मच जो हैं ये 2 स्पून जो हैं वो दे सकते हैं, और ऐसा ऐसा जब बच्चे की एज बढ़ती जाए तो आप लोग जो है तादाद बढ़ाते जाएँ। इसी तरह 8 मंथ जब बच्चा 8 महीने का हो जाए तो आप ये कम्प्लीट जो एक एप्पल है और ये आप खिला सकते हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम देना है इसलिए मैं आज हाफ़ खिलाऊंगी और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद बढ़ाती जाऊंगी, इसकी मकदार जो है वो ज़्यादा करती जाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।